नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं BS6 और BS4 से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि सबसे पहले BS6 और BS4 में असल में फ़र्क क्या है, जो इमिशन नॉर्म्स हैं इनमें क्या फ़र्क है, कितना पोल्यूशन का फ़र्क है, फिर कंपनीज़ ने कैसे अपने इंजन्स डीजल पेट्रोल दोनों जो है वो BS4 से BS6 कर दिए, और फिर ये चीज़ कि क्या आप अपने जो डीजल ऑलरेडी डीजल पेट्रोल इंजन है जो BS4 थे, आपने गाड़ी खरीद ली, क्या आप उसको BS6 करवा सकते हो अब, और साथ ही में फ्यूल जो है उसमें कितना क्या फ़र्क आया। साथ ही में कुछ छोटी मोटी और चीज़ों की बात करेंगे जो कि अब क्योंकि इंप्लीमेंट हो चुका है BS6, तो और ज़्यादा बेहतर जो चीज़ें पता चल पाई उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये इमिशन नॉर्म्स होते क्या हैं। BS6 और BS4 जो है इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6 ये इनकी फुल फॉर्म है। BS5 यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम उसको टाइमली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे BS4 को, तो सरकार ने डिसाइड किया कि BS5 छोड़ो, अब सीधे BS6 पे ही हम जो है जंप करेंगे। हमारे जितने भी ये इमिशन नॉर्म्स है ये डायरेक्टली जो है इंस्पायर्ड है, या वहाँ से हम जो है अपना नॉर्म्स को बनाते हैं, वो है यूरो नॉर्म्स जो यूरोपियन यूनियन में चलता है, यूरो 4, यूरो 6। वहाँ पर अभी यूरो 6 चल रहा है, तो हमारे यहां पे भी BS6 चल रहा है। हालांकि डेट सेम नहीं होती, ऐसा नहीं है कि वहां पे यूरो 7 लागू हो तो हमारे यहां पे BS7 लागू होगा। हाँ, शायद हो जाए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है, हमारा थोड़ा सा देरी से ही आता है। तो इमिशन नॉर्म्स क्या कहते हैं कि भैया आपकी गाड़ी जो है उसके टेल पाइप से, मतलब उसके एग्जॉस्ट पाइप जो होता है ना, उससे कितने पॉल्यूटेंट्स क्या किस मात्रा में निकलने चाहिए, ये नॉर्म्स हैं। तो मेनली जो है 4 बड़ी चीजें जो है इसमें मानी जाती है, और भी कई चीजें और भी कई गैसेस निकलती है, बट जो मेजर चेंज जिनमें होते रहते हैं उनमें एक आता है पार्टिकुलेट मैटर, फिर आता है NOx, और उसके बाद में आपका CO जो कार्बन रिलेटेड होते हैं, और फिर अलग हाइड्रोकार्बन जो है जिनकी ज़्यादा बात होती है। इनके अलावा भी और कई सारी गैसेस जो है वहाँ से निकलती है। जो फ्यूल है, जो मतलब हम डीजल पेट्रोल भरवाते हैं, उसमें आमतौर पर सल्फर जो है उसकी ज़्यादा बात होती है, और जो पेट्रोल होता है उसमें थोड़ी सी लेड जो है उससे रिलेटेड चेंजेस होते रहते हैं। तो ये यहाँ पर बात हो गई है ओवरऑल जितने भी हमारा जो इमिशन नॉर्म्स है वो मोटा मोटी तौर पे है क्या। अब बात करते हैं BS6 और BS4 जो है उनमें फ़र्क क्या है। थोड़ा सा मैं इस पर्टिकुलर चार्ट से यहाँ पे समझाता हूँ कि BS4 में जो है NOx जो है वो, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो पेट्रोल के लिए 80 mg मिलीग्राम पर किलोमीटर अलाउड थे, बट डीजल के लिए 250 mg पर किलोमीटर अलाउड थे। अब BS6 में 60 mg जो है वो पेट्रोल के लिए अलाउड है, और 80 mg जो है वो डीजल के लिए अलाउड है NOx, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल माने जाते हैं। इंसानों के लंग्स में अगर जाते हैं तो लंग्स में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, काफी सारी बीमारियों का ये जो जनक है, तो वो यहां पे चीज हो गई है। यहां पे हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स प्लस NOx नापा जाता है डीजल के लिए, हालांकि पेट्रोल के लिए सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स जो है वो नापा जाता है। तो 100 mg पर किलोमीटर जो है हाइड्रोकार्बन्स अगर गाड़ी निकालती है तो अलाउड था BS4 में, बट इसको जो है पेट्रोल में भी चेंज नहीं किया गया है, सेम रखा गया है। लेकिन डीजल में जहां 300 mg पर किलोमीटर का था कि हाँ भैया इतना जो हाइड्रोकार्बन्स प्लस NOx गाड़ी निकालती तो ठीक है, वो चेंज करके 170 तक ही छोड़ दिया गया कि अब सिर्फ 170 मिलीग्राम पर किलोमीटर निकाले तो ही ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर जो है ये एक बड़ी चीज थी, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे BS4 में जहां पे कोई भी नियम नहीं था पेट्रोल के लिए कि कितना पार्टिकुलेट मैटर जो है वो हम रखेंगे, एक बार मैं ये पेन की साइज जो है वो छोटी कर लेता हूं, वहीं BS6 में जो है इसको एक इस पर सर्टेन सी चीज़ लगा दी गई कि 4.5 mg पर किलोमीटर होगा। हालांकि ये सिर्फ गैसोलीन डायरेक्ट इंजन वाले जो इंजन्स हैं उन्हीं में ये चीज़ लागू होती है, जो कि आजकल काफ़ी सारे इंजन आ ही रहे हैं कि गैसोलीन डायरेक्ट इंजन वाले आ रहे हैं, तो उनके लिए कि पार्टिकुलेट मैटर जो है 4.5 mg पर किलोमीटर निकाली जा सकती है। यहाँ पे BS4 में डीजल में ये 25 mg अलाउड था, लेकिन डीजल में भी अब सेम पेट्रोल के बराबर 4.5 mg अलाउड है। ये बड़ी बड़ी चीज़ें थी। फिर है कार्बन से रिलेटेड चेंजेस, जो आपकी कार्बन इमिशंस है, अब वहाँ पे कार्बन इमिशंस जो है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल थोड़े से ज़्यादा निकालता है, डीजल थोड़े कम निकालता है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले पेट्रोल के लिए 1000 mg अलाउड था पर किलोमीटर, अब जो है वही है। डीजल के लिए 500 mg अलाउड था पर किलोमीटर, अभी भी ये चीज़ वही की वही रखी गई है। तो ये तो बात हुई कि कितना इमिशंस जो है वो अलाउड हो गया है BS4 में, या BS6 में कितना अलाउड है BS4 के मुकाबले। अब इसको कंपनीज ने किया कैसे, तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि BS6 आने के बाद में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। बड़ी है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो सिर्फ बड़ी इंजन्स वाली कैपेसिटी वाली गाड़ियों में बढ़ी है, छोटे इंजन की कैपेसिटी वाली गाड़ियों में जो है ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी नहीं है। कैसे, जो पेट्रोल इंजन है उसमें ये करना ज़्यादा ईजी था,
पेट्रोल इंजन में अगर आपको बी एस फोर को बी एस सिक्स बनाना था तो कुछ सर्टेन चीज़ें बदलनी, जैसे कि आपके फ्यूल इंजेक्शन जो है वो थोड़े से और ज़्यादा फास्ट हो जाए, और ज़्यादा एक्यूरेट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया गया, फास्टर ऑक्सीजन सेंसर जो ज़्यादा एक्यूरेसी से डिटेल बताए, ऑक्सीजन सेंसर जो कि यूजुअली जो अपना एग्जॉस्ट पाइप होता है वहाँ पर लगता है, मतलब इंजन का सारा काम हो जाए उसके बाद जो एग्जॉस्ट निकलने लगता है उस जगह यूजुअली इस्तेमाल किए जाते थे, वो ऑक्सीजन सेंसर भी, और भी कई इंजन में अगर ऑक्सीजन सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं तो और ज़्यादा एक्यूरेट या क्वालिटी वाले उनको यूज़ किया गया। उसके बाद में टाइमिंग्स, फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग्स, आपकी गाड़ी जो है कब फ्यूल इंजेक्ट कर रही है, कब एयर जो है उसके इंटेक हो रहा है, उन सब टाइमिंग्स को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से करने के बाद में जो जितने भी पेट्रोल से रिलेटेड इमिशन नॉर्म से वो मीट कर लिए गए। कुछ कुछ कंपनीज ने एक पेट्रोल ऑक्सीडाइजेशन कैटलिस्ट जो है उसका भी इस्तेमाल किया है, बाकी पेट्रोल में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही। डीजल में जो है बी एस सिक्स बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव भी हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया खास तौर से बड़े इंजन में। डीजल में ये कैसे अचीव किया गया, वेल एक तो पेट्रोल सॉरी डीजल जो है उसका प्रेशर किस तरीके से बढ़ रहा है, उसको और ज़्यादा उस प्रेशर को जो है उसमें छेड़खानी की गई तब जाके वो चीज़ आई। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो है कुछ कंपनीज ने डीओसी यानी कि जो डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट वो है उसके साथ में डीपीएफ जो है उसका इस्तेमाल जो कुछ कंपनीज पहले से कर रही थी उन्होंने जो है उस चीज़ को इस्तेमाल करके अपना काम चलाया। ईजीआर का इस्तेमाल किया, कई जनों ने ईजीआर को ट्वीक किया कि जो इंजन गैस जो है उसका रीसर्कुलेशन हो और एक बेहतर टेम्परेचर, सही टेम्परेचर पर जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से डीजल जलेगा तो हम जो है बीएसिक्स अचीव कर लेंगे, कुछ कंपनी ने ऐसे ट्राई किया है। और कुछ इंजन जो कि साइज में बड़े थे जिनके लिए सब चीजें पॉसिबल नहीं हो रही थी वहां पे एससीआर नाम का एक और चीज इस्तेमाल की गई, सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन। आपने देखा होगा जो एड ब्लू डालते हैं, यूरिया बेसिकली डाला जाता है, मैंने कुछ अपनी वीडियोज में दिखाया जैसे कि जीप कंपस में मैंने दिखाया था कि वहां पर यूरिया डालने की जगह है, तो वो यूरिया जो है वो कहां जाएगा। एड ब्लू वर्ड जो मर्सिडीज ने बहुत पहले यूज किया था इंडिया में, उन्होंने शायद सबसे पहले बीएसिक्स डीजल मर्सिडीज ने लॉन्च की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने जो है एड ब्लू वर्ड यूज किया गया था। एड ब्लू क्या है, बेसिकली यूरिया अमोनिया वगैरह जो है वो डाला जाता है एक पर्टिकुलर एग्जॉस्ट में। अब वो आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं, अगर हम आए तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ऑडी का सिस्टम देख लेते हैं वो कैसे दिखाते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा इंजन से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन ज़्यादा बेहतर दिख जाएगा। तो ये जो इंजन है इसमें यहाँ पे ये जो जगह देख पा रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है अपना जो ऑक्सीडेशन मॉड्यूल, जो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है वो यहाँ लगा हुआ है, वो यहीं से इस तरफ अगर आप देखो तो ये जो है ये डीपीएफ लगा हुआ है जो कि डीजल मतलब पार्टिकुलेट फिल्टर जो है उसे कहा जाता है। फिर इस तरफ आते आते यहाँ पे आते आते जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो इस पॉइंट पे मिक्स की जाती है यूरिया से, ये जो लाइन देख पा रहे हैं आप ये यूरिया की लाइन है और वो यूरिया मिक्स किया जाता है इसमें और उसके बाद में इन दो बॉक्सेस में जाता है। ये दो बॉक्सेस जो है ये हैं सेलेक्टिव कैटलिटिक कन्वर्टर SCR जिनकी मैं बात कर रहा था, रिडक्शन कन्वर्टर या ऐसा कुछ नाम दिया जाता है। अब वहाँ पे यूरिया के साथ में जब ये मिक्स होकर आए तो ये गैसेस को कन्वर्ट करता है, हार्मफुल जो गैसेस है उनको कन्वर्ट करके बेसिकली कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकाल देता है जिसमें नाइट्रोजन और वाटर जो है पानी वो है एग्जॉस्ट टेल पाइप से नीचे आ जाता है। तो ये ऐसे अचीव किया जाता है। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा और ईजी में समझाऊँ, ये तो आपका इंजन हो गया इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, मैं आपको बेसिक मॉड्यूल बताता हूँ जो कि बाकी कंपनीज इस्तेमाल करती है। थोड़ा सा एग्जॉस्ट कुछ का ऐसे भी दिख सकता है, कुछ में थोड़ा सा मतलब जैसे ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट और जो पार्टिकुलेट फिल्टर है डीपीएफ वो इस तरीके से लगाओ, जरूरी नहीं इंजन के पास लगाओ, और उसके बाद में जो है यहाँ पे मिक्स हो रहा हो अपना यूरिया जो आ रहा है एड ब्लू या जो भी कहा जाए, और उसके बाद में SCR जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा उसका इस्तेमाल किया गया और एंड में जो है बाहर निकल जाता है अपना, मतलब एंड में एक सेंसर भी लगाया NOx के अमोनिया कितना कंट्रोल हुआ कितना नहीं हुआ, उसके बाद में वाटर वगैरह जो भी होता है वो बाहर निकल जाता है। अब उसके बाद में आपको बताऊँ तो ये आपको एक बेसिक डायग्राम है जो कि एड ब्लू कंपनी जो है वो अपने उन्होंने अपने वेबसाइट पर दिखा रखा था, वो ये कि ये इंजन है आपका, यहाँ पर इंजन जो है वो EGR के लेवल जो है उससे ही थोड़ा सा कंट्रोल किया जाने की कोशिश करती है, उसके बाद जब एग्जॉस्ट में आने लगता है मटेरियल तो ऑक्सीडेशन और डीपीएफ जो है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर वो यहां पे कुछ चीजें कंट्रोल करता है और जो सूट यहां पे भी कैप्चर नहीं हो पाता है, जो गैसेस यहां पे भी कैप्चर नहीं हो पाती है वो जब आगे आने लगती है तो इस पॉइंट पे उनमें DEF जो है या यूरिया या एडब्लू जो है वो मिक्स किया जाता है और यहाँ जब मिक्सिंग हो जाती है उसके बाद में इस जगह पे अमोनिया और NOx जो है मतलब जो यूरिया जो है वो मिक्स करके उस पूरी चीज जो ट्रैप्स लगे होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं गैसेस को और इधर से जो है नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन और वाटर जो है वो निकल जाते हैं, एंड नाइट्रोजन हो गया और वाटर जो है वो आपका हो गया H2O,
केमिस्ट्री छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो यहाँ पे जो है ये आपके मतलब उसमें से एग्जॉस्ट से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग अचीव कर पाए। ये तो हुई बात अपनी कि किस तरीके से हम कंपनीज ने जो है अचीव किया है। हर कंपनी ने कुछ कुछ अपनी अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजीज लगाई है। कुछ लोगों ने डबल डोजिंग की है, जैसे कि ऑडी की मैं बात कर रहा था आपको, जो मैं पहले दिखा रहा था, मैं ऑडी वाला सिस्टम फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लोग डबल डोजिंग करते हैं, ये एक तो यहाँ डोजिंग कर रहे हैं इस जगह पर डाल रहे हैं, और उसके बाद में ये लोग दोबारा से इस जगह भी डाल रहे हैं। डबल डोजिंग बेसिकली वही एडब्लू, एक सिंपल जो एक एडब्लू है उसी की डबल डोजिंग की जा रही है। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की चीज़ें नहीं यूज़ की गई, तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से जो है इस चीज़ को अचीव कर रही है। अब बात करते हैं कि फ्यूल में क्या चेंजेस आए हैं, जो कि एक्चुअल में कई लोगों को कुछ उससे रिलेटेड डाउट्स भी है। तो फ्यूल में चेंजेस हुए हैं सल्फर की मात्रा में। अगर आप ये एक टेबल देखें जो कि आई गेस कोई इंडियन न्यूज़पेपर की टेबल है, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सल्फर जो है PPM पार्टिकल पर मिलियन जो है वो पहले डीजल में 50 PPM पे था और BS6 में उसको 10 छोड़ दिया गया, और पेट्रोल में सल्फर जो है वो 50 पे था, डीजल में जो है उसको भी 10 पे लाया गया। बोले इतना ही होना चाहिए, यानी कि सल्फर की मात्रा जो है वो गिरा दी गई है। अब सल्फर की मात्रा से डायरेक्टली फायदा ये मिलता है कि अगर आप सल्फर कम होगा तो आपके फ्यूल में जो आपके इंजन से जो है ये नाइट्रोजन वगैरह ये जितने भी इमिशन है ये कम निकलेंगे, तो वो एक चीज वहां पे अचीव कर ली गई। अब यहां पे BS4 इंजन में BS6 फ्यूल डालने से क्या कुछ फर्क पड़ता है ओवर द पीरियड, मतलब बहुत ही लंबे टाइम से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, अभी तक तो मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना है। हालांकि रियल टाइम में किस गाड़ी को कितना अफेक्ट करता है उसमें एक और चीज़ लागू होती है, वो होती है इंजेक्टर्स की क्वालिटी। आपकी गाड़ी में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर जो कहते हैं ना एग्जॉस्ट में कौन सा सिस्टम कितना रिएक्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल 2-3 साल इन चीज़ों में पता चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या फिर कोई बहुत ज़्यादा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए 1-1.5 साल में ही पता चलेगा कि एक्चुअल में कुछ हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट स्टडीज में कुछ ज़्यादा नहीं आया कि हाँ कुछ ज़्यादा हार्म या ज़्यादा पता नहीं चलता है। हो सकता है आपकी गाड़ी जो है उसकी लाइफ 1,00,000 किलोमीटर रहती तो अब वो रिड्यूस होके 98,000 रह जाएगी, या ऐसा कुछ जो है चीज़ लोग कह रहे हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स के बारे में अभी कुछ आई नहीं है। फिर पेट्रोल में लेड जो है वो ग्राम पर लीटर के हिसाब से थी तो वो 0.005 थी, वो रिड्यूस होके जो है 0.001 छोड़ दी गई। बोले इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास में फ्यूल में सल्फर और लेड। तो ये चीज़ें थी। अब BS6 ये तो देखो ऊपर से मैंने आपको बताया है, अगर आपको और जानना हो तो भारत का राजपत्र यानी गैजेट जो है इंडिया का वो मैं आपको बताता हूँ कौन से नंबर का आपको पढ़ना है। उसमें आप देख सकते हैं ये 16 सितंबर 2016 को ये गाइडलाइंस इशू हुई थी, जिसमें लिखा गया था कि 1 अप्रैल के बाद में जो है ये लागू करना है 1 अप्रैल 2020 में, और आप इस पर्टिकुलर संख्या को देख सकते हैं सानी का 889 अ, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये गैजेट, और उसके बारे में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मतलब आप जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि भैया BS4 BS6 के टेक्निकल चीज़ें कैसे कंपनीज ने क्या अचीव किया, फ्यूल में क्या चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि क्या आप अपनी BS4 कार को BS6 कर सकते हैं। वेल, आप कर सकते हैं, बट थिंग इज़ कि आप करेंगे नहीं। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि मतलब आपकी BS4 जो कार है उसमें कुछ चीज़ें जो है ट्वीक करनी पड़ेगी, इंजन में कुछ चीज़ें ट्वीक करनी पड़ेगी, एग्जॉस्ट पाइप में जो है कुछ चीज़ें ट्वीक करनी पड़ेगी, जो मैंने बताया पार्ट्स लगेंगे। अब ये लगाए तो जा सकते हैं पर इनकी कॉस्ट जो है, क्योंकि वो शुरू से प्लांट से बन के नहीं आ रहा है, तो उनमें कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बजाय कि जो फैक्ट्री से अभी ऑलरेडी BS6 आ रही है तो वो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको शायद लगने लगेगा कि भैया इससे बेहतर है कि मैं गाड़ी जब तक मेरी अलाउड है तब तक चला के मैं बेच के दूसरी ले लूँ। इनफैक्ट जिन कंट्रीज़ में पहले Euro 6 नॉर्म लागू हुए थे यूरोपियन यूनियन की, खासतौर से जर्मनी और UK, वहाँ पे कंपनीज जो है वो ऑफर दे रही थी कि भैया एक काम करो, अगर आपको लग रहा है आपकी गाड़ी पुरानी हो रही है वो अब चल नहीं पाएगी आपके स्टेट में लॉज वगैरह की वजह से, तो आप आपकी गाड़ी दो, नई गाड़ी ले जाओ, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। ये डिस्काउंट कुछ कुछ गाड़ियों में बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जब लोगों ने सोचा कि हम अपनी गाड़ी Euro 5 से Euro 6 में कन्वर्ट करवाएं या हम ट्रेड इन कर लें, मतलब हमारी गाड़ी देके दूसरी गाड़ी ले लें जो डिस्काउंट उसके साथ में, तो लोगों को ये ज़्यादा लॉजिकल ऑप्शन लग रहा था कि मैं अपनी गाड़ी नई ले लूँ। तो आप करवा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप जो कॉस्ट वगैरह देखेंगे, कुछ स्पेस भी आपके बूट का हो सकता है कुछ स्पेस खा जाए, या आपकी गाड़ी के नीचे कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस जो है वहाँ पे पार्ट्स लगे, तो आपको लगेगा कि यार ये स्पेस पार्ट्स जाएंगे मेरे पार्ट्स लगेंगे मेरे स्पेस जाएगा और साथ में पैसे लगेंगे, इससे
बेहतर है कि गाड़ी को अपना जितना हो सकता है उतना चला के मैं नई खरीद लूँ। और थोड़े से रूल्स जो इंडिया में मतलब अलग अलग भी होंगे, जैसे दिल्ली में 10 साल की अलाउड है, हमारे राजस्थान में जहाँ पे अभी 15 की अलाउड है, बाकी ऑलमोस्ट काफ़ी स्टेट्स में 15 की अलाउड है, तो फिर लोग सोचेंगे बाहर भेज दूँ, 5 साल और चलेगी फिर, मतलब यही एक उम्र होती है 15-1 साल गाड़ी की उम्र होती है, तो उस हिसाब से जो है ये लॉजिकल नहीं होगा अपग्रेड करवाना। ये यहाँ पे बातें हुई BS4 BS6 के जुड़ी हुई। अब एक स्टडी के अनुसार यहाँ पे BS6 जो है या Euro 6 जो है वो एक्चुअल में उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं साबित हो पा रहा है जितना सोचा गया था। अब वैसे तो अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल जो है एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाले वो रिड्यूस हुए हैं, बट ये सारी टेस्टिंग जो है जब गाड़ी ऑन रोड चल रही है, लोगों के चलाने का तरीका अलग होता है, टेम्परेचर्स अलग होते हैं, क्लाइमेट अलग होता है, सड़क की कंडीशंस अलग होती है, तो उस हिसाब से कुछ स्टडीज़ ने ये कहा है कि भैया एक्चुअल में ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, जब गाड़ी कोई लोग रोड पर चला रहे हैं तो पॉल्यूशन लेवल्स जो है अलाउड लिमिट से बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ जो है मतलब कंपनी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, फॉक्सवैगन वाला जो VW स्कैंडल अगर आपको याद हो डीजल वाला, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल्स कर रही थी, हालांकि फॉक्सवैगन ने तो वहाँ पे एक चीज डिवाइस लगा दिया था जिसके बारे में अगर आपको और जानना है तो एक केस स्टडी वाली जो वीडियो है उसको आई बटन में मैंने दे दिया है। बट अगर आप देखें इन जनरल भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, UK और कुछ यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ ने ये सजेस्ट किया है कि अब BS6 या Euro 6 जो है उस नॉर्म्स में एक और चीज़ डाल दी जाए, वो ये कि अगर आपकी गाड़ी एक सर्टेन लिमिट को एक्सीड कर जाती है पॉल्यूशन में, मतलब एक तो जब आपका गाड़ी का टेस्ट हो रहा हो तब तो ये जो ऑलरेडी सेट मानक है इनको इनके हिसाब से होना चाहिए, बट अगर आपकी गाड़ी चल रही हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पॉल्यूशन अगर वो करती है तो इन पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा पॉल्यूशन ना करे तो ही ठीक है। हालांकि वहाँ पर अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है तो इंडिया में भी आते आते बहुत टाइम लगेगा, बट बात की जाए कि कितना सेंसिबल ये रहा है इसको इंप्लीमेंट करना, देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हुई, चाहे वो UK US हुआ, USA हुआ, जापान वगैरह कंट्रीज़ हुई, यहाँ पे तो ये चीज़ें अच्छी लगती है क्योंकि पर कैपिटा इनकम लोगों की ज़्यादा है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा दे देंगे और वहाँ पे प्रपोर्शन अगर है ना, आप ऐसे मानोगे कि वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ में मैं आपको समझाता हूँ सिंपल टर्म्स में, अगर इकोनॉमिक्स से ज़्यादा टर्म्स लूँगा तो शायद आप थोड़ी सी बात समझ ना आए, तो वैल्यू फॉर मनी प्रपोर्शन को सोचिए कि आपने इतना पैसा डाला और आपको इतना फ़ायदा हो रहा है तो आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी है, अगर आपको लगता है और ज़्यादा फायदा हो रहा है तो आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी है, बट ये जो BS4 से BS6 कन्वर्जन है इसमें इतना पैसा बढ़ रहा है और इतना सा फायदा हो रहा है तो आपको मतलब जेन्युइनली ये उतनी वैल्यू फॉर मनी चीज़ नहीं है जितना हम कुछ और कर सकते थे, चाहे वो किसी और तरीके से, मतलब हो सकता है हमारी फैक्ट्रीज को ज़्यादा बेहतर रेगुलेट करके, हो सकता है हमारे जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं उसको ज़्यादा बेहतर रेगुलेट करके ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से की जा सकती थी, बट क्योंकि अब हो गई है, एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं और सारा प्रोसेस सेटअप होके एकदम रेडी है तो शायद इस चीज़ की बात करने में ज़्यादा लॉजिक नहीं है। एक चीज़ बेहतर होगी वो ये कि गवर्नमेंट को और पूरी कंट्री को अप्रिशिएशन मिलेगी दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से जब ये बात की जाएगी कि कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिन्होंने एक्चुअल में एनवायरनमेंट के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, तो भैया कहा जाएगा कि इंडिया ने जो है ये इमिशन नॉर्म्स जो है वो स्ट्रिक्ट किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये मिशन नॉर्म सिर्फ कार और बाइक्स के लिए नहीं है, अक्रॉस द व्हीकल, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, ट्रक्स वगैरह के लिए भी, हालांकि उनके लिए कितना कौन पॉल्यूशन करेगा उसकी जो चीज़ें हैं वो अलग है, जैसे मैंने बताया कि गजट है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कौन सी कैटेगरी की व्हीकल्स को कितना पॉल्यूशन करना अलाउड है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप अपना जो भी थॉट्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो उसके भी लिंक नीचे है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें किसी भी तरीके से तो वहाँ पे भी दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जो कि नीचे दिए गए होंगे, एफिलिएट और पेट्रियन वगैरह। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अगले वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।